न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल से समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह अगर सूत्र में लिखना हो तो गुरुत्वीय बल F इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वेर, जहाँ G एक अनुपातिकता स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। M1 पहली वस्तु का द्रव्यमान, M2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, R दोनों वस्तुओं के बीच का अंतर है। ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मूल्य कैसे निर्धारित करें? प्रत्यक्ष पृथ्वी पर किसी भी दो वस्तुओं में या द्रव्यों में ऐसा बल होता है क्या? और हो तो G का मूल्य निर्धारण कैसे करें? ईस्वी सन 1797-98 के काल में ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने इस पर कुछ प्रयोग किए, अर्थात इससे पहले भी कुछ प्रयोग हो गए थे, परंतु कैवेंडिश ने इसका अंतिम प्रयोग करके इस स्थिरांक का मूल्य निर्धारित करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने जिस साधन का इस्तेमाल किया वो एनिमेशन में आप देख सकते हैं। उसने एक टॉर्शन लंगर यानी टॉर्शन पेंडुलम का या टॉर्शन संतुलन यानी टॉर्शन बैलेंस का इस्तेमाल किया। टॉर्शन संतुलन में एक बारीक अत्यधिक पतली मरोड़ीदार तार ली जाती है, उसके छोर पर चिन्ह लगाया जाता है। इस भार को थोड़ा सा मरोड़ देने पर वो तार के इर्द गिर्द प्रदोलित होती है या उसके आंदोलन शुरू होते हैं। कैवेंडिश ने नीचे जो भार लगाया था वो एक धातु की डंडी के रूप में था। उसके दोनों ओर शीशे के दो छोटे गोले लगाए थे, उनका द्रव्यमान तुलना में कम था। दोनों का द्रव्यमान क्रमशः 1.61 पाउंड या 0.73 किलोग्राम था। उनके बीच का अंतर लगभग 1 फुट था। हर एक का व्यास 2 इंच अर्थात 51 मिलीमीटर था। इनके अलावा उसने अपने पास और दो बड़े शीशे के गोले रखे हुए थे। ये बड़े गोले 300 मिलीमीटर व्यास के 348 पाउंड या 158 किलोग्राम द्रव्यमान के थे। ये उन छोटे गोलों के पास ही रखे थे। इस टॉर्शन लंगर को थोड़ा सा मरोड़ देने पर वो अपने इर्द गिर्द प्रदोलित होने लगता है। इस टॉर्शन लंगर की तार को एक छोटा सा शीशा लगाया हुआ था। उस शीशे पर जो प्रकाश किरण आती वो परावर्तित होती। यहाँ प्रत्यक्ष कितनी प्रकाश किरणें परावर्तित हुई वे नाप सकते थे। इस प्रकार के संसाधन की रचना हेनरी कैवेंडिश ने की। उन्होंने ये दिखा दिया कि इस कोण का जितना विचलन था उससे होने वाला विचलन अधिक था। इसका कारण है जो बड़े शीशे के गोले थे वे शीशे के छोटे गोलों को आकर्षित करते हैं। ये आकर्षण गुरुत्वीय बल के कारण होता है। इस प्रकार कैवेंडिश ने प्रयोग करके वे कोण नाप कर उनकी सहायता से सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मूल्य निर्धारित किया, जो आपकी किताबों में जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन किलोग्राम स्क्वेयर ऐसे दिया हुआ है।